हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम ढोसी की पहाड़ी पे हैं। यहाँ पे मैं आपको जियोलॉजिकल फील्ड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। ढोसी की पहाड़ी जो है उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ जियो साइंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरी पहाड़ी जो है, अभी हम इस ढोसी की पहाड़ी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे खड़े हैं। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेनली जो लिथोलॉजी है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नज़दीक आगे दिखाएं। ये लिथोलॉजी जो डोमिनेंट लिथोलॉजी है यहाँ पे, बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड, ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें कुछ जो क्वार्ज वेन भी देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस फील्ड वर्क के दौरान ऑब्जर्व करेंगे। जब हम लिटरेचर स्टडी करते हैं, जियोलॉजिकल जो इसका लिटरेचर है इस पहाड़ी का, तो इसकी जो इंट्रूजन की एज है वो 1671 मिलियन ईयर के अप्रोक्सीमेट है जब ये इंट्रूजन हुआ, क्योंकि ग्रेनाइट एक्सपोजर है तो ये एक प्लूटोनिक रॉक यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। तो जब हम लिटरेचर स्टडी करते हैं तो लिटरेचर में आप ये भी पाएंगे, जियोलॉजिकल लिटरेचर में इसके, कि ये जो इंट्रूजन है ये एक एंटीक्लाइन के कोर में जो है इंट्रूजन हुआ। और एक जियोलॉजिकल मैप मेरे पास है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैपिंग की गई है, तो ये मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार ऑब्जर्व करें, उसके बाद हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कुलताजपुर विलेज, जो जब आप नारनौल से आएंगे तो कुलताजपुर विलेज जो है प्राइम लोकेशन है जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप इस डायरेक्शन में आएंगे, ढोसी विलेज है, ठीक है, ये पूरा ट्रावर्स हमने कवर किया है। अभी हम इस साइड में हैं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हैं हिल के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो एल्बिटाइजेशन हो रखा है, एल्बाइट ग्रेनाइट यहाँ पे जो उसका पैच दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। स्केल के हिसाब से आप इसके साइज़ को अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस रीजन में हैं, बट अभी ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, उसी के लिए अभी हम सर्च कर रहे हैं। सिमिलर जो लिथोलॉजी है यहाँ पे भी दिखाई गई है, ठीक है, वो भी हम वहाँ से कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये थाना विलेज है, तो तीन विलेज जो है, तीन साइड इस हिल के विलेज है, कुलताजपुर विलेज है, ये ढोसी विलेज है और ये थाना विलेज है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मेन लिथोलॉजी है ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये आपकी है बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड, ग्रेनाइट, ठीक है। बाकी इसमें कुछ जो रीजन है यहाँ पे ये दिखा रखा है कि कैल्क सिलिकेट या अनडिफ्रेंशिएटेड मार्बल भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो फील्ड के दौरान जब हम लिटरेचर स्टडी करते हैं, लिटरेचर के बाद फिर हम उस एरिया को जब एक्चुअल में फील्ड विजिट करते हैं तो वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जो लिटरेचर में मेंशन है उसको कंफर्म करते हैं, जहाँ पे हमें डाउट लगता है वहाँ से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको फिर लैब में एनालाइज करते हैं, ठीक है। इस फील्ड वर्क के दौरान जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी लास्ट टाइम जो फील्ड किया था आंतरी बिहारीपुर में, वहाँ का मैंने आपको दिखाया था। फर्दर हम जिस भी लोकेशन पे जो हम फील्ड के दौरान जो हमारा ट्रावर्स रहता है उसमें इन बिटवीन हम स्टेशंस बनाते हैं, स्टेशंस पे हम जीपीएस पॉइंट नोट करते हैं। तो यहाँ के अगर जीपीएस पॉइंट मैं अभी आपको बताऊँगा, और उसके अलावा वहाँ की हम फील्ड फोटोग्राफी करते हैं, फील्ड फोटोग्राफी के अलावा हम वहाँ से अगर हमें कुछ डाउटफुल लगता है तो सैम्पलिंग कर लेते हैं, और उसको हम जो हमारा आउटलाइन है जो हम लेके चलते हैं, जो हमारा बेस मैप है, उस पे हम उस लिथोलॉजी को फील करते हैं। तो इस तरीके से हम उस एरिया की जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको लैट लॉन्ग बताना चाहूँगा ताकि आप एग्जैक्ट वहाँ पे उसको गूगल अर्थ के थ्रू एग्जैक्ट उस लोकेशन पे आप पहुँच सकें। जीपीएस को जब हम ऑन करते हैं तो सैटेलाइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब लोडिंग कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद ही आपको जो है रीडिंग लेनी चाहिए ताकि आप एक्यूरेट डाटा ले पाएँ। तो यहाँ पे जो जीपीएस लोकेशन है, लैटिट्यूड है नॉर्थ 28°04'05.30" और जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ ईस्ट 76°01'52.83" एलिवेशन यहाँ पे 325 मीटर, ठीक है।
ठीक है, तो जीपीएस पॉइंट हम नोट करते हैं उस, ताकि हम एग्जैक्ट उस लोकेशन को बाद में मैप के साथ कोरिलेट कर सकें और एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन हमारी जो है उसको वहाँ पे कंफर्म कर सकें, उनको वहाँ पे हम अपने मैप में उसको डाल सकें। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा आप एक बार ये पूरा एक्सपोजर जो इस डायरेक्शन से नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से जो नज़र आ रहा है, थाना विलेज से हम थोड़ा सा आगे आए हैं उस डायरेक्शन में, थोड़ा सा जो सन ओरिएंटेशन है उसकी वजह से आप हो सकता है क्लियरली ना देख पाएँ, आप इस साइड में देख सकते हैं। और जो क्लोज व्यू भी मैंने आपको दिखाया, मैप दिखाया, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेशन पे जो भी इम्पोर्टेंट फीचर मिलेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।